सो हाय गाइस, तो स्वागतम मित्रों और मित्रणियों, अपने गेम के अंदर आप लोगों को देखने मिला है 3-4 सरप्राइज इवेंट, जिसके बारे में ऑलरेडी 2 में पहले कवर कर चुका हूं। और आज हम बात करने वाले हैं बाकी 3 सरप्राइज इवेंट के बारे में। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जिसमें से पहला सरप्राइज आप सबको मिलने वाला है 12 अक्टूबर के दिन, इसके बाद आप लोग को मिलने वाला है 19 अक्टूबर और साथ में 22 अक्टूबर, देन आप लोग को मिलने वाला है बिल्कुल लास्ट में 24 अक्टूबर। पहली बात, इसको सरप्राइज क्यों रखा गया है और इसके अंदर से आप लोग को फ्री रिवॉर्ड क्या कुछ मिलने वाला है, बाकी ये सरप्राइज के अंदर क्या है, आज ये पूरा बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। इसी के साथ में गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने बुइया डे इवेंट के बारे में, कब आने वाला है, और साथ में बुइया डे का जो लेजेंडरी बंडल है वो कब आने वाला है, आज उसका भी डेट कंफर्म करूंगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। वैसे सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं अपने इवोल्यूशन इंफरोन के बारे में, जिसका डेट कंफर्म हो गया है, वो भी आज मैं कंफर्म करने वाला हूं। साथ में बात करूंगा नेक्स्ट वेपन रॉयल के ऊपर। बजाओ ताली। वैसे गाइस मैं बता के रख दूं, इसके अलावा और भी कुछ अपडेट वगैरह है, साथ में कुछ फ्री रिवॉर्ड वगैरह भी है जो कि मैं वीडियो में आगे कवर करने वाला हूं। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और साथ में दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आओ गाइस आगे बढ़ते वीडियो में, एंड सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन गेम के अंदर आए हुए एक इवेंट के बारे में, जिसका नाम है लेवल अप शॉप इवेंट। इसके अंदर आप लोगों को आपके लक के मुताबिक डिस्काउंट मिलेंगे। वैसे इसके बारे में आपको मैंने कल बताया था कि ये आज सुबह ही गेम के अंदर आने वाला है और आ भी गया है। बात करें इवेंट कैसे कुछ काम करने वाला है, बहुत सिंपल सा इवेंट है। इसके अंदर आप लोगों को एक एक आइटम बाय करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को दूसरा लेयर पर और कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलेंगे। लेकिन मैं सही बताऊं देखो, इसके अंदर कुछ खास रिवॉर्ड मुझे देखने में नहीं लगा था, और वैसे भी यार जितने भी रिवॉर्ड्स यहां पर था वो सब कुछ मेरे आइटम में पहले से था, बस कुछ न्यू आइटम को छोड़कर जिन रिवॉर्ड्स को इसके अंदर अवेलेबल कराया गया है। बाकी ऑलमोस्ट मेरे पास सारे रिवॉर्ड्स थे, जिसलिए मैं इसके अंदर से कुछ ज्यादा आइटम तो बाई नहीं किया हूं, बस कुछ न्यू आइटम को बाई किया हूं। हालांकि मैं बाई करना चाहता तो नहीं था, लेकिन आप लोग भी जानते हो अगर आप लोग कुछ भी आइटम बाई नहीं करोगे, कुछ डायमंड स्पेंड नहीं करोगे, तो आप लोग नेक्स्ट लेयर पे जा नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने बाई कर लिया, एंड आप लोग यहां पर देख रहे हो मेरा नेक्स्ट राउंड का जो स्पिन है उसमें मुझे मिला है 8% डिस्काउंट, मतलब कुल मिला के अभी मुझे मिला है 72% ऑफ। और इसके अंदर से मैं चाहूंगा अपना ड्रैको एक टोकन को बाई करने के लिए, क्योंकि इस राउंड पर भी हम लोग को डायमंड खर्च करना पड़ेगा, तब जाके मैं नेक्स्ट राउंड पे जा पाऊंगा। खैर जो भी हो भाई, आप में से जो भी भाई लोग चाहते हो इसके अंदर से कुछ बाई करना तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस काफी सस्ते में आप लोगों को मिल जाएंगे और डायमंड का प्राइस भी बहुत कम ही रखा गया है। बाकी यार आप में से कौन कौन भाई लोगों जो कि इसके अंदर स्पिन किए हो और आप लोगों को अपना फेवरेट आइटम मिला है या फिर नहीं मिला है, कमेंट में जरूर बताना। बाकी यार बढ़ते वीडियो में आ गए, एंड अब हम बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट वेपन रॉयल का रिव्यू देख पा रहे हो, जो कि है वाला अपना एसबीडी का गन स्किन, जिसको आप में से कोई कोई प्लेयर ड्रैगन ऑफ भी कहते हो। बाकी यार देखो, पॉसिबिलिटी यही बताया जा रहा है कि यही वाला गन स्किन आप सभी को नेक्स्ट में वेपन रॉयल के अंदर देखने मिलने वाला है, और एट्रीब्यूट से भी यही लगता है मुझे। वैसे भी आप लोगों को मैं बहुत पहले से इसका रिव्यू कर रहा हूं, तो हो सकता है करने वाले बाद में जाकर इसको चेंजमेंट कर दे और दूसरा कुछ गन अपने वेपन रॉयल के अंदर अवेलेबल करा दे। हालांकि इसका चांस भी है कि 80% से ऊपर चांस है इस वाले एसबीडी गन को अपने नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर ऐड कराया जाएगा। बाकी अगर कुछ चेंजमेंट मेरे हाथ में आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर वो भी जरूर कवर कर दूंगा, फिलहाल आप लोग इसी को कंफर्म कह सकते हो। बाकी इसी के साथ मैं गाइस बढ़ते वीडियो में आ गया, और अब हम बात करने वाले हैं अपने बुइया डे इवेंट के बारे में। आपको बता के रख दूं, बुइया डे के थीम पे एक बहुत ही बढ़िया टेलर मेरे हाथ में लगा है, जो कि आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं। बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को कुछ बंडल वगैरह नजर आ रहा है और साथ में कुछ आइटम वगैरह नजर में आ रहा है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल गौर से इस ट्रेलर को देखो तो आप लोगों को पता चलेगा। एक्जेक्टली इसके अंदर आप लोगों को 4 बंडल मिलने वाला है, 4 में से एक फीमेल बंडल आप सभी को बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे, जिसके लिए कुछ मिशन वगैरह अपने गेम के अंदर आएंगे उसको कंप्लीट करने के बदले में आप लोगों को बिल्कुल फ्री में फीमेल बंडल मिलने वाला है। बाकी बात करते हैं कि बुइया डे का इवेंट अपने गेम के अंदर कितने तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को मैं बता रख दूं, अपने इंडोनेशिया सर्वर के अंदर 12 अक्टूबर से बुइया डे का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। और ये बात तो आप सब लोग जानते हो, मैं ऑलरेडी 2-3 बार बताया हूं कि जैसे ही किसी एक सर्वर के अंदर अपना बुइया इवेंट आ जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को हर एक सर्वर के अंदर बुइया इवेंट देखने मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी गाइस पॉसिबल डेट तो यही बता जा रहा है कि यार 12 तारीख को अपने इंडोनेशिया सर्वर के अंदर बुइया इवेंट आ जाएगा, लेकिन ये पूरा कंफर्म डेट तो नहीं है, बस पॉसिबल डेट बताया जा रहा है। लेकिन हां, गिरने वाले चाहकर भी ज्यादा वेट नहीं करा पाएंगे, उनको जल्दी ही गेम के अंदर बुइया इवेंट अवेलेबल कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता के रख दूं आने वाले कुछ दिन के अंदर विंटर इवेंट भी गेम के अंदर शुरू होने वाला है। तो भाई ज्यादा गिरने वाले वेट नहीं कर सकते, बहुत जल्दी अपने गेम के अंदर आप सभी को बुइया इवेंट देखने मिलने वाला है। एंड जैसे ही गाइस अपने गेम के अंदर बुइया इवेंट आ जाएगा, उसके कुछ दिन बाद आप सभी को अपना जो बुइया का लेजेंडरी इवो बंडल है वो भी गेम के अंदर बैक कराया जाएगा अपने टोकन डार इवेंट के अंदर। स्पिन का जो प्राइस है गाइस वो भी बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा, मतलब 1 स्पिन 20 डायमंड एंड 5 स्पिन 90 डायमंड। तो इस तरीके से आप लोगों को स्पिन करना पड़ेगा। बाकी आप में से जितने सारे भाई लोगों को इसके अंदर स्पिन करना है और अपना बुइया बंडल परचेस करना है, तो 2500 डायमंड जमा कर लीजिएगा और इसके अंदर स्पिन मार देना, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन इतना जान के रख लो, इसी मंथ पे मतलब अक्टूबर मंथ पे आप सभी को बुइया डे का बंडल गेम के अंदर बैक देखने मिलने वाला है। तो जिनको भी स्पिन वगैरह मारना है आप लोग तैयारी ले सकते हो अभी से। बाकी आगे बढ़ते वीडियो में, एंड अब हम बात करने वाले अपने इवोल्यूशन M41 के बारे में। आप लोग जानते हो गन स्किन देखने में कैसा है, इमोट वगैरह देखने में कैसा है, सब कुछ मैं ऑलरेडी एक दो बार दिखा चुका हूं, इसलिए मैं ये सब के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं डेट कंफर्म करूंगा। बाकी सबसे पहले गाइस इसका डेट कंफर्म किया गया था कि 9 अक्टूबर के दिन अपने गेम के अंदर इवोल्यूशन M41 आ जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज़ 9 अक्टूबर के दिन अपने गेम के अंदर इवो फार्मस आ गया था। लेकिन जो भी हो गाइस, देखो इवोल्यूशन M41 आप लोगों को मिलने वाला है 15 अक्टूबर के दिन, डेट पूरा फुल्ली कंफर्मड है। वैसे आप में से गाइस कोई कोई भाई लोग मुझे कमेंट किए थे कि सनी भाई क्या हमें अपना इवोल्यूशन M41 परचेस करना है या फिर नहीं करना है। मैं पहले ही बताया हूं, अगर आपके पास कुछ भी बढ़िया स्किन नहीं है तो कर सकते हो, और अगर एक दो स्किन बढ़िया है तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो इसको अपडेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी
प्रॉब्लम यही है और बाकी तो गाइस ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ते वीडियो में एंड अब हम बात करने वाले अपने सरप्राइज इवेंट के बारे में। तो फर्स्ट सरप्राइज आप लोगों को मिलने वाला है 12 अक्टूबर के दिन। आपको बता के रख दूं 12 अक्टूबर अपने गेम के अंदर आने वाला है क्रिमिनल रॉयल इवेंट, जिसके अंदर सब लोगों को 3 क्रिमिनल बंडल मिलने वाला है, पर्पल, येलो और ब्लू। तो 12 अक्टूबर का सरप्राइज गाइस यही है कि आप लोगों को क्रिमिनल रॉयल मिलेंगे। तो जिनको भी इसके अंदर स्पिन वगैरह करना है आप लोग कर सकते हो और क्रिमिनल बंडल आप लोगों को फेवरेट जो भी आप लोग उसको निकल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सरप्राइज इवेंट के बारे में, जो कि होने वाला है 19 अक्टूबर के दिन, और साथ में और एक सरप्राइज आप लोगों को मिलने वाला है 22 अक्टूबर के दिन। तो ये दोनों के अंदर हम लोगों को क्या कुछ मिलेंगे, तो पहला सरप्राइज 19 अक्टूबर के दिन, जिसके दिन अपने गेम के अंदर आने वाला है गिफ्ट ऑफ लाइट इवेंट, जिसको हम लोग कहते हैं दिवाली उइस इवेंट। और बता दो आप लोगों को इसके अंदर काफी सारे रेयर बंडल एंड गन स्किन इस बार आने वाला है, जो आप लोगों को बढ़िया लगता है आप लोग उसको बाय कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग चाहे प्रीमियम स्पिन करो या फिर आप लोग चाहे नॉर्मल स्पिन करो, दोनों पर ही आप लोग को आइटम भी मिलेंगे, साथ में एक दो टोकन वगैरह ही मिलने वाला है, जिसको देखकर आप लोग अपने मन मुताबिक आइटम को एक्सचेंज भी कर सकते हो अपने प्राइस पूल के अंदर से। बाकी आप लोग इतना जानकर रख लो कि टोकन आप सबको हर एक स्पिन के अंदर ही मिलने वाला है, चाहे वो सुपर स्पिन हो या फिर चाहे वो नॉर्मल स्पिन क्यों ना हो, दोनों पर ही आप लोग को टोकन मिलेंगे। बाकी यार ये इवेंट इस बार कैसे आने वाला है, कितना डायमंड इसके अंदर लगेगा और कितना डायमंड का स्पिन रहेगा, ये सारी बातें मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बाकी यार अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सरप्राइज इवेंट के बारे में, जो कि होने वाला है 22 अक्टूबर के दिन। आप लोग जानकर रख लो गाइस 22 अक्टूबर के दिन अपने गेम के अंदर आने वाला है एक लाइट फिस्ट रॉयल, जिसके अंदर आप लोग को एक दिवाली का फिस्ट स्किन मिलने वाला है, साथ में मिलने वाला है कुछ और भी रिवॉर्ड, साथ में गाइस आप सबको कुछ टोकन वगैरह मिलेंगे, जिससे भी आप लोग चाहो तो अपने मन मुताबिक आइटम को एक्सचेंज वगैरह भी कर सकते हो स्टोर के अंदर से। तो असल में यही वाला इवेंट आप सभी को देखने मिलने वाला है 21 अक्टूबर रात को 12 बजे के बाद, मतलब कि 22 तारीख के दिन आप लोग को देखने मिलने वाला है लाइट रॉयल इवेंट। बाकी अब हम बात करते हैं 24 तारीख सरप्राइज इवेंट के बारे में। गाइस देखो 24 तारीख के दिन अपने गेम के अंदर आने वाला है डबल डायमंड का टॉप इवेंट, जिसको फिलहाल अपने गेम के अंदर बताया नहीं गया, इसको सरप्राइज रखा गया। लेकिन गाइस जितने भी सरप्राइज इवेंट था जिसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं था, वो आज मैं बता दिया हूं कि एक्चुअल में आप लोग को कौन से रेट पर क्या कुछ मिलने वाला है। तो आप लोग को 24 तारीख पर डबल डायमंड टॉप इवेंट अपने गेम के अंदर देखने मिलने वाला है और ये पूरा कंफर्म न्यूज है। बाकी डबल डायमंड टॉप इवेंट अपने गेम के अंदर गाइस आने वाला है दिवाली स्पेशल, दिवाली के लिए इसको दिया जा रहा है। बाकी भाई आप में से जो भी चाहते हो डबल डायमंड टॉप इवेंट को परचेस कर रहे हैं तो कर सकते हो। वैसे गाइस मैं अपडेट तो कवर कर दिया हूं, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के ऊपर। तो फर्स्ट कमेंट कुछ ऐसा था कि सनी भाई बॉल से स्कटर बॉय बंडल कब आने वाला है, साथ में कमेंट था कि M4N का इवोगन कब आएगा। M4N का इवोगन आने वाला है 15 अक्टूबर के दिन। बाकी यार रही बात बॉल से स्कटर बॉय बंडल के बारे में, इसके बारे में कंफर्मेशन कुछ भी लीक्स नहीं है, लेकिन हां करने वाले चाहेंगे तो दिवाली उस इवेंट के अंदर इसको अवेलेबल करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में, जो कि ये थी कि ड्रैको के कब गेम के अंदर बैक आने वाला है, एंड साथ में कमेंट था कि EOMP का जो इन्क्यूबेटर है वो कब बैक आएगा। देखो मैं पहली बात आप लोग ये बता कर रख दूं, ड्रैको की अभी अपने गेम के अंदर बैक नहीं आएगा, बिकॉज ये कुछ दिन पहले ही गेम के अंदर आया था। रही बात EOMP इन्क्यूबेटर गन स्किन गाइस, देखो ये अपने गेम के अंदर दिवाली स्पेशल आप लोगों को बैक देखने मिल सकता है, इसके ऊपर पहले भी एक दो बार लीक मिल चुका है, तो भाई ये अपने गेम के अंदर आ सकता है, 70% भी ऊपर चांस है इसका बैक आने का। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई मंथली मेंबरशिप पर 50% ऑफ कब मिलेंगे और स्टोर में जो इवोगन का क्रिएट है या फिर इवोगन का टोकन है उसमें हम लोग को डिस्काउंट कब मिलेंगे। पहले आप लोग ये जान लो इवोगन का जो टोकन है उसके अंदर हम लोग को एनिवर्सरी के टाइम पे डिस्काउंट मिला था 50% ऑफ, तो अगर करने वाले चाहेंगे तो इस बार भी आप लोग को दिवाली के टाइम पे फिर से ऑफ देने वाले हैं। बाकी रही बात अपने मंथली मेंबरशिप 50% ऑफ की, इसके बारे में कल बताया था, आज फिर से बता रहा हूं गाइस, देखो इसके बारे में फिलहाल कुछ कंफर्म लीक्स तो नहीं है, लेकिन लीक ऐसे भी मिला है कि आप लोग को देखने मिलने वाला है, लगभग 90% चांस है कि आप लोग को मिलेगा ही, बाकी 10% गाइस बच जाता है, जिसके ऊपर मेरे हाथ में लीक आता ही मैं नेक्स्ट वीडियो पे वो भी बता दूंगा। तो आगे बढ़ते बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर, जो कि ये थी कि सनी भाई क्रिमिनल बंडल कौन से इवेंट में आएगा। ऑलरेडी मैं आज के वीडियो के अंदर बता दिया हूं क्रिमिनल बंडल आप सभी को 12 अक्टूबर के दिन गेम के अंदर देखने मिलने वाला है, स्पेशल लक रॉयल के अंदर, कह सकते हो क्रिमिनल रॉयल के अंदर। बाकी गाइस मेरा वीडियो बेसिकली आज का यहीं तक था, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट जरूर कर देना, क्योंकि कुछ कमेंट मेरे पास था कि सनी भाई आपके वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आ रहा है, तो मैं बता के रख दूं आप लोग नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल सेट करो ऑल पे, तो आप लोग को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे, तो कर देना बस ऑल पे सेट। मिलते हैं कल शाम को और एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।